पाकिस्तान के होनहार नौजवान हर मैदान में मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। दिसंबर में आपको बताएं कि दिसंबर में चाइना में वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप हुई, जिसमें पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। जी जनाब, चाइना गए और वहां जाके जो गोल्ड मेडल है उनसे लेके अपने गले में सजा लिया। और इस मुकाबले में 40 से ज्यादा मुल्कों से तकरीबन 500 अफराद ने शिरकत की थी और पाकिस्तान से 4 तालिब इल्मों ने इस मुकाबले में हिस्सा लिया था। 14 से 20 साल के नौजवानों ने वर्ल्ड माइंड मैपिंग, वर्ल्ड स्पीड रीडिंग और वर्ल्ड मेमोरी के मुकाबलों में हिस्सा लिया और ये मेडल्स जो है अपने नाम किए। तो इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सानिया आलम, मास्टर ट्रेनर, हम कई दफा आ चुकी हैं हमारे पास, और इनके साथ मौजूद है जी द विनर एमा। तो पहले तो शुरू करते हैं सानिया आपसे, उससे पहले तो सेलेजर आपको दिखाएं जो हमारी है, जो हमारी आप विनर देखें। तो पहले मैं एमा, ये कोई आपने 14 मेडल्स आपने पहने में जनाब, ये 12 मेडल्स पहने में और सिर्फ 12 क्या अच्छी घर छोड़ के आए हैं, ट्रॉफीज घर छोड़ के आए, लेकिन इतने ज्यादा हैवी मेडल माशाल्लाह से पहन कर जी। वेलकम टू बाखबर सवेरा जी, शपथ। तो पहले तो आपसे सवाल पूछेंगे, माशाल्लाह पैदर पे कामयाबियां मिल रही हैं माशाल्लाह, अब क्या कैसा लगता है कि आपके ट्रेन किए हुए स्टूडेंट्स जाते हैं और चैंपियनशिप जीत के आते हैं? बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये बात हम इस बात का सबूत दे रहे हैं कि जो सुपर लर्निंग की हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ आपकी एकेडमिक एंड प्रोफेशनल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, बट आप ऑल्सो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आप को रिकग्निशन हासिल करवाने के लिए एज वेल एज पाकिस्तान को। और एक साल हुआ है सिर्फ इस्टेब्लिश हुए और हम ऑलरेडी 10 चैंपियनशिप्स में हिस्सा ले चुके हैं, 36 मेडल्स एंड 10 ट्रॉफीज जीत चुके हैं। अभी माशाल्लाह से जो एमा भी जो जीती है वो 11th वर्ल्ड माइंड मैपिंग चैंपियनशिप जो जूनियर है वो एमा ने 2019 में अपने नाम किया है। एमा बच्चे, आप मुझे बताओ, माशाल्लाह माशाल्लाह से आपको देख के इतनी खुशी हो रही है, मैं आपको बता नहीं सकती, कितनी आपने तैयारी की थी, कितना टाइम लगता और कहीं पढ़ाई तो उससे आपकी मुतासर नहीं होती? नहीं, मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन मेमोरी डेवलपमेंट से ट्रेनिंग ली और इस पिछले साल चैम्पियनशिप में मैंने इसके अलावा 3 गोल्ड मेडल्स भी जीते तीनों डिसिप्लिन में, और उसके अलावा ओवरऑल मैंने सिल्वर जीता। और स्टडीज़ की बात आए तो माइंड मैपिंग इज़ द आर्ट ऑफ समराइजिंग, सो इसके ज़रिए आप इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, ये मैं चाहती हूँ आप ज़रा टिप दे दो, बहुत सारे ऐसे में स्टूडेंट्स देख रहे हैं जो मेट्रिक के हैं, ओ लेवल्स, ए लेवल्स और उनसे छोटे भी जितने बच्चे देख रहे हैं, माएँ जो सुन रही हैं हमें, उनको कोई टिप दे दें कि आप कैसे इतने जो बुक्स किताबें आप लोग पढ़ते हैं उनको याद कैसे कर लेते हैं? वो माइंड मैपिंग के जरिए, और खुद एमा बताइए, इन्होंने खुद अपने ओ लेवल्स के एग्जाम दिए, मैंने पिछले साल अपने ओ लेवल्स के एग्जाम दिए थे 5 सब्जेक्ट्स में, 4 महीने में खुद से आधा दिन पढ़ के बगैर रट्टा लगाए मैंने अपने एग्जाम। ट्यूशन नहीं थी आपकी? नहीं नहीं, कोई ट्यूशन नहीं थी, मेरे जहन में सवाल उबल रहा है, आप कंप्लीट कर दीजिए। एंड आई गॉट ए ग्रेड्स, एंड माइंड मैपिंग को यूज करते हुए एग्जाम हॉल में आई वॉज कॉन्फिडेंट, ना कि मुझे एंग्जाइटी हो रही हो या कोई प्रेशर फील हो रहा हो, बिकॉज मुझे पता था कि मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग में सही तरीके से स्टोर किया हुआ है, जिसकी वजह से मुझे सही वक्त पर रिकॉल भी हो गई इन्फॉर्मेशन। अच्छा, ये पता है मुझे आपको देख के ना अपना बचपन याद आ रहा है, मतलब जब मैं 9th-10th में था, मेरा जिस दिन केमिस्ट्री का पेपर होता था ना, उससे एक रात पहले मैं रो रहा होता था, कुछ सारी किताब खत्म करने के बाद जब वापस पहले चैप्टर में जाता था कुछ याद ही नहीं होता था, ना कॉन्टैक्ट प्रोसेस याद होता था, ना किसी भी चीज की कोई एक्सट्रैक्शन। और जब सेकंड ईयर में गए वहाँ ऑर्गेनिक आ गई, एक और बला आ गई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ नॉर्मल क्लेचर था, रिएक्शन से कुछ याद नहीं होता था, वो कैसे याद करती? यस, तो स्टूडेंट्स को एज अ स्टूडेंट आई बिलीव के स्टूडेंट्स को बहुत ज़रूरत है इस माइंड मैपिंग की, क्योंकि स्टूडेंट्स को लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन दी जाती है थ्रू किताबें, थ्रू लेक्चर्स, जिनको वो नोट डाउन या याद करने की कोशिश करते हैं थ्रू द ट्रेडिशनल मीनिंग, लीनियर नोट्स या फिर रट्टा मारने से। सो इसके बजाय आप माइंड मैपिंग यूज़ करते हुए मैं इतनी सारे पेजेस को, देयर 24 पेजेस फ्रॉम ओ लेवल की किताब को एक पेज पढ़ लें तो बहुत आसान हो जाएगा याद करना। तो अगर आपके पास ऐसी किताब आ जाए 100 पेजेस की भी, 4 माइंड मैप्स आपने बनाए एंड यू आर गुड टू गो। मुझे समझ में आ रहा है ये 24 पेज है, बट दे आर गोइंग समवेयर, कॉन्ट्रेरी टू टेक्स्ट बुक, जैसे मिसाल के तौर पर उर्दू की किताबें होती हैं, उसमें हर सब्जेक्ट एक मजमून होता है किसी ऑथर का, किसी डिफरेंट टाइमलाइन में, किसी डिफरेंट पॉलिटिकल सिचुएशन में। मीर तकी मीर एक डिफरेंट पॉलिटिकल सिचुएशन में है, और अगर हम फराज की बात करें वो बिल्कुल डिफरेंट पॉलिटिकल सिचुएशन में, बट ये दोनों साथ साथ लगे हुए। सो हाउ डू यू मैनेज देम? सेम तरीके से, चाहे आपके पास इवन 1000 पेजेस की किताब भी आ जाए, आप उसको इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं और माइंड मैपिंग के जरिए वो 1000 के 1000 पेजेस का कॉन्टेंट आप एग्जाम। अच्छा, जो आम लोगों में देख रहे हैं उनके लिए मैं चाहती हूँ सानिया, आप आसान तरीके से बताओ ये माइंड मैपिंग एग्जैक्टली आप कैसे कर सकते हैं, जिसे आपने ड्रॉ करना शुरू
शुरू किया, आपने तमाम चीजें जॉट डाउन करना शुरू की, कैसे करेंगे आप ये? मैं चाहूंगी प्लीज ठीक है, हमें हर स्टूडेंट को ये लगता है कि उसको सेंटेंस बाय सेंटेंस, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ जो है अपने नोट्स में लेकर आना है या रट्टा मारना है। इंसान का दिमाग ऐसे काम नहीं करता, वो कीवर्ड्स उठाता है जिससे उसके याददाश्त का ताला खुलता है। वो कीवर्ड्स वो पूरी इन्फॉर्मेशन अनलॉक कर देते हैं जो पॉइंटर्स टाइप होते हैं। एग्जैक्टली, और वो, और ये बात बहुत इफेक्टिव है क्योंकि इंसान का दिमाग जो है किसी सुपर कंप्यूटर से भी फास्ट है। तो हमें क्यों ऐसा लगता है कि हम एक किताब या दो किताब या 100 किताबें हम नहीं याद रख सकते? एक एक सवाल है, व्हाट इफ आप, हम कहते हैं ना कीवर्ड, यानी हम मिसाल के तौर पे अगर हम याद करना चाह रहे हैं कोई प्रोसेस केमिस्ट्री का या बायोलॉजी का, और उसके अंदर हम वो प्रोसेस में कोई एक याद रखते हैं, यार ये चीज इधर जाती है, ये चीज इधर जाती है, ऐसे होता है वैसे होता है, और वो जहन में एक नक्शा बना लेते हैं, बट पेपर में जाकर वो नक्शा भूल जाता है। मसला ये है कि जो कीवर्ड सेट किए होते हैं वो भूल जाते हैं। हाउ डू यू मैनेज दैट? एक्चुअली मसला क्या है ना कि आपको इफेक्टिवली स्टोर करने की टेक्निक नहीं बताई गई। हम ये मानते हैं कि बच्चे को किताबें स्कूल भेजने से पहले, किताबें पकड़ाने से पहले आप उनको वो स्किल पकड़ाएं जिससे वो सीख सकते हैं। आज आप हमें भी वो स्किल पकड़ा दें, हम भी अखबार पढ़ते हैं लेकिन ऐसे कुछ चीजें हम कभी भी भूल जाते हैं। ओके, तो उसमें ये है कि अगर आप उसको जैसे माइंड मैपिंग का हमने बोला या मेमोरी स्किल्स का बोला या स्पीड रीडिंग का, बाय द वे स्पीड रीडिंग से बताऊं तो हमारा उसमें भी हमने इस साल जो वर्ल्ड स्पीड रीडिंग चैंपियनशिप थी उसमें हमारे स्टूडेंट ने सिल्वर मेडल हासिल किया है। तो वो जो तेजी से पढ़ सकना, फिर उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट भी दे सकना। अच्छा सर, एक चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, बहुत लोग जो बुक रीडिंग करते हैं वो मुझसे रिलेट करेंगे। आप किताब पढ़ते हैं, आप कन्विंस्ड होते हैं कि मैंने इस किताब में ये चीज पढ़ी है, और आप किसी से आर्ग्यूमेंट करते हैं, यार मैंने फलां चीज फलां किताब में ऐसे पढ़ी है, तो बंदा कहता है यार उस किताब में तो ये चीज ऐसे है नहीं। आप खोल के देखें, एंड व्हेन यू से विद ऑथेंटिसिटी, यार मैंने तो खुद देखी है, आप जब वापस किताब में जाते हैं तो वो चीज वैसी होती है जैसे अगले ने कही हुई थी, आपकी परसेप्शन गलत होती है। Exactly. ये प्रॉब्लम क्या होता है? ये लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन में इश्यू होता है जिसमें अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग इफेक्ट आ जाता है कि आपने बात कुछ और लिखी हुई थी, समझी कुछ और। और ये तब होता है कि जब हम स्लो रीडिंग करते हैं ना, तो स्लो रीडिंग में हमें लगता है कि कॉम्प्रिहेंशन हमारी बढ़ जाएगी, जबकि आप अपने दिमाग को एक घसीटने वाली स्पीड में लेके जा रहे हैं तो वो लेस कॉम्प्रिहेंशन करता है। और जितना आप स्पीड अप करते हैं उतना ही आपकी कॉम्प्रिहेंशन इंक्रीज होती है। हमारा जो पिछले हफ्ते बैच स्पीड रीडिंग का खत्म हुआ, सम सॉर्ट ऑफ अ डिजीज या ये कोई डिसऑर्डर है क्या? नो, इट्स नॉट अ डिजीज, इट्स जस्ट दैट इनकरेक्ट हैबिट्स ऑफ रीडिंग हमने अप्लाई किए हुए हैं बचपन से। मैं जस्ट इमेजिन करूं कि अगर कोई ऐसी इनकरेक्ट हैबिट्स वाला आदमी जो मजहबी किताब पढ़ता होगा वो तो खतरनाक हो जाती। अच्छा, बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे हम देखते हैं कि वो सारा दिन पढ़ते हैं, सारे दिन से शफात ने भी अपने बचपन की एग्जाम्पल दी, तो बच्चे बहुत पढ़ते हैं लेकिन समहाउ जब पेपर देने जाते हैं या टेस्ट देने जाते हैं या उनसे कभी पूछा जाता है तो वो बच्चे उसको जवाब देने से बिल्कुल जो है ना वो नहीं, कासिर होते हैं, बच्चे इसका जवाब नहीं दे पाते। तो ऐसी क्या टिप है कि जो बच्चे सारा सारा दिन इतनी मेहनत करते हैं जो वो इस पूरे मैप को नहीं बनाते लेकिन जो याद करें, मेमोरी अपनी कैसे बूस्टअप कर सकते हैं, मेमोरी कैसे बूस्टअप कर सकते हैं? सबसे पहले ये बात इस्टेब्लिश कर दूँ कि लोगों को लगता है कि अगर उन्होंने कोई चीज़ पढ़ी है या कोई चीज़ सोचा है कि वो याद रखें तो उसको जब वो रिकॉल नहीं कर पाते तो वो बोलते हैं मेरी तो याददाश्त खराब हो गई है, मैं तो बुढ़ी हो गई हूँ या बुढ़ा हो गया हूँ। लेकिन दिस इज रॉन्ग, क्योंकि रिकॉल करना यानी इन्फॉर्मेशन को दिमाग से बाहर लेकर आना जब आप चाहते हैं वो सेकेंड स्टेज ऑफ मेमोरी है। पहला स्टेज है कि आप उसको दिमाग में स्टोर करें। ये बात ऐसे होगी कि आप अपने फ़ोन के कॉन्टेक्ट लिस्ट में कोई कॉन्टेक्ट नंबर ढूंढ रहे हैं जो आपने कभी सेव ही नहीं किया, तो इसका मतलब आपका फ़ोन काम नहीं करता, आपने कभी सेव ही नहीं किया ना, राइट? सो आप जो चीज़ रिकॉल करना चाह रहे हैं क्या आपने इफेक्टिवली उसको दिमाग में डाली? और डालते कैसे हैं कि इंसान का दिमाग तीन चीजों पे काम करता है, इमेजिनेशन, एसोसिएशन एंड लोकेशन। ये तीन चीजें इमेजिनेशन, एसोसिएशन एंड लोकेशन। जैसे मैं कभी किसी से बात कर रही थी, मुझे पता है, मुझे याद है क्योंकि मैं फलानी जगह से ड्राइव करके गुजर रही थी, फलाना गाना ये पीछे लगा हुआ था मैंने। वैसे सानिया, आपकी सारी ट्रेनिंग एक तरफ और वो तमाम मेरे दोस्त जो कि जिंदगी में कभी एक दफा अपनी वेडिंग एनिवर्सरी भूले हैं, आप जरा एक दफा और भूल के देखें आपकी वो ट्रीटमेंट होगी कि आप आइंदा जिंदगी में कभी अपनी बर्थडे का एनिवर्सरी या कोई भी बर्थडे नहीं भूलेंगे। किताबों चपात ने क्या कमाल बात की है, मतलब हम किताबों को किस तरीके से माइंड मैपिंग के थ्रू पीने की बात कर रहे थे, और जिसमें माशाल्लाह से आई एम सो प्राउड कि हमारे पाकिस्तान में कितने जबरदस्त स्टूडेंट्स हैं। थैंक यू सो मच सानिया, थैंक यू सो मच एमा, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। तो जनाब, माइंड मैपिंग से बड़ी बड़ी किताबें जो है ना हजम और पीने में काफी आपको इफाका होगा। सो अभी हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हम ब्रेक की तरफ ही जाएंगे।